बेहतर है। अभी बेहोश हैं, दवाओं का असर है। अभी कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे तो फिर हम मिल सकेंगे। वलीद, मामू का खास ख्याल रखना। मैं कितना ख्याल रख लूंगा, बेटी की वजह से घर में बहुत टेंशन है। वो जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करेगी तो राहिल से ही करेगी। वलीद, उसे कुछ भी करके रोक लो, ये फैसला ठीक नहीं है, समझाओ उसे। नहीं यार, वो समझने समझाने की हद पार कर चुकी है। पापा ने उसके साथ बात की है मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तुम परेशान नहीं हो, हिम्मत से काम लो। जो जिल्लत आज मुझे उस्मान के सामने उठानी पड़ी है ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को खत्म कर लूं। तौबा करो, ये कैसी गलत बातें कर रहे हो। बेगैरत बनकर जिंदा हूं मैं, कैसे अपने दोस्तों को फेस करूंगा उरूसा। जिल्लत को सहना आसान नहीं है, सोचता हूं तो रात रात भर नींद नहीं आती। दिल करता है कि यहां से कहीं दूर चला जाऊं, बहुत दूर, जहां पर कोई मुझे बीनी के हवाले से जलील ना कर सके। फरीद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत है, लेकिन ये मायूसी की बात है। तुमसे ज्यादा तुमसे वाबस्ता लोगों को मायूस करेंगी, और शायद ये भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे हैंडल करूं। पापा को इस हालत में देखना बहुत पेनफुल है यार। वो ठीक हो जाएंगे, तुम खुद को संभालो, क्योंकि ये सारा मामला तुमने संभालना है। कैसे संभालूं यार, मैं तो मामा से कह रहा था कि बेनी जो चाहती है उसकी बात मान ले। ये क्या हाल हुआ? अगर कोई आग का अंगारा हाथ में उठाए तो उसे लेने दो, कि हाथ जलेगा तो सबक हासिल होगा। उसा, कुछ लोग तकलीफें बर्दाश्त करके ही सीखते हैं, और बीनी शायद वो तकलीफ उठाना चाहती है। हम नहीं समझा सकते उसे। वली, इसका कोई हल ढूंढो। खैर ये बताओ, तुम यूनिवर्सिटी गई थी? नहीं, सिर्फ ऑफिस गई थी। क्यों, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मंडे से जाना शुरू करूंगी, मिसेस वलीद का बैच लगाकर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिसेस वलीद का बैच लग जाएगा। आई थिंक काफी लंबी बात हो गई है, मैं फोन रखती हूँ। दिल को थोड़ी खुशी और सुकून मिला है तो तुम फोन बंद कर। इतने दुखों बाद कुछ तो ऐसा सुनने को मिला है जिसे सुन के अच्छा लगा। लगता है जनाब ने मुझे बहुत फारिक समझा हुआ है। मुझे बहुत सारे काम है, आप भी अपना काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे प्लीज इसी तरह कॉल करती रहना, कांटेक्ट में रहना। खुदा हाफिज़। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना।